मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। विद्युत विभाग द्वारा किसानों को भारी भरकम बिजली के बिल थमाए जाते हैं, उसके बावजूद किसानों को वे तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती जिसके वे हकदार होते हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही का एक मामला ग्राम अंतराय का है, जहां पर विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते किसी भी दिन किसान की लाखों रुपए की गेहूं की फसल लापरवाही की भेंट चढ़ सकती है। किसान हुकुम सिंह की गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन वे अपनी फसल को वहां से कटवा पाने में असमर्थ हैं। इसका एकमात्र कारण विद्युत विभाग की लापरवाही है। गेहूं की फसल से मात्र एक फीट ऊंचे ही विद्युत तार गुजर रहे हैं। किसी भी दिन शॉर्ट सर्किट होने से पूरी फसल आग की भेंट चढ़ सकती है। पूर्व में भी क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही से इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। किसान विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों कर्मचारी को आवेदन के माध्यम से अवगत भी करवा चुके हैं। विद्युत वितरण कंपनी के तार और खंभे भी जर्जर हो चुके हैं, जो किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर सकते हैं। अगर शीघ्र ही मामले का निराकरण नहीं हुआ तो खून पसीना से सिंचित फसल किसी भी दिन विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही की भेंट चढ़ सकती है। कैमरा पर्सन कृष्ण मारू के साथ कन्हैया लाल धाकड़ की रिपोर्ट। हमारी सभी खबरों को अपने मोबाइल में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। यही है सर, ये तार की है, 4-5 साल हो गए। सर को आवेदन भी दिया, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, उसके बाद में दार डी साहब को दिया, यहाँ रामनगर सुपरवाइजर साहब को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने यानी 30 जनवरी को दिया उनको, आज एक महीना ऊपर हो गया और लापरवाही हो रही है, मेरे गेहूँ की फसल आ गई है। ये इसमें थोड़े से सर्किट होने से पूरे फसल भी नष्ट हो जाएगी, मेरी होगी तो होगी, लेकिन ये आसपास का एरिया पूरा खराब हो जाएगा। ये अधिकारी उनको कोई फिक्र ही नहीं है, क्या परेशानी है क्या नहीं, कोई आए नहीं यहाँ पे, देखने भी नहीं आए अभी तक के क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी 20 दिन पहले यही वायर टूट गए थे, तो यहाँ हमने खुद ने हाथ से बांधी। इसकी जो वायर की ऊंचाई है वो गेहूँ से बहुत ही मतलब नज़दीक हो चुके हैं, इसे कितनी चुनौती मानते हैं इसको? अरे ये तो सर ये पहले आधा फीट ही थी, ये तो अभी एक फीट अभी करी, वो जो बांस बांध दिया उससे हुई है ये, नहीं तो ये पहले इसमें टच हो रहे थे। इसमें हम गेहूँ में पानी फेरने जाते तो बहुत डर लगता है, अभी 20-25 दिन पहले तार टूट गया था, फिर पानी फेरने वाला मर जाता है। अभी यहाँ देखा जा रहा है कि हुआ है वो भी नीचे गिरने की कगार पर है, इसको लेकर भी टेके दे देके और चला रहे सर के, क्या मालूम कब गिर जाएगा वो खंभा, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब गिर जाए। इधर चालू लाइट में अगर गिर गया और सर्किट हो गया तो पूरा एरिया बैठ जाएगा, मेरे साथ दूसरे काश्तकार की भी हालत खराब हो जाएगी।